अब चलो सही है। ये चैप्टर पावर शेयरिंग है सिविक्स का, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। उसमें स्टोरी ये है कि एक आपका है श्रीलंका, जो इंडिया से नीचे है, तमिलनाडु से पास में है। मतलब अगर इस तरीके से आप देखोगे तो ये श्रीलंका है, श्रीलंका तमिलनाडु से बिल्कुल पास में है, ठीक है। पहले आपको मैप पता होना चाहिए जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी कंट्री के बारे में बात करूंगा, वो है बेल्जियम। बेल्जियम ये कंट्री है, बेल्जियम से चारों ओर कौन कौन सी कंट्री है, मतलब तीन कंट्री से ये इसकी बाउंड्रीज जुड़ी हुई है, एक नीदरलैंड, एक जर्मनी और एक फ्रांस, तीन बाउंड्रीज से जुड़ी हुई है। इन दोनों के बारे में कहानी है इस चैप्टर की, बस ये है और कुछ नहीं है इसके में। चैप्टर की शुरुआत होती है कि क्या किसी कंट्री को पूरी पावर एक साथ रखनी चाहिए या अलग अलग। तो ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, मतलब किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से इसका मानना है। अब क्या है कि ये दोनों की कंट्री के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, कि आपका बेल्जियम बेल्जियम ने कुछ और किया होगा और आपका श्रीलंका ने कुछ और स्टेप उठाया होगा, तो उस हिसाब से इन दोनों की अलग अलग कंडीशंस हुई, इन दोनों स्टेट्स की, इन दोनों कंट्रीज की अलग अलग सिचुएशन हुई। इसमें दोनों के, अगर कंट्रीज के बारे में बताऊं तो दोनों की कंट्रीज का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो हरियाणा के लगभग लगभग बराबर है। अब शेयरिंग ऑफ पावर, जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक कंट्री में, जो कि पीपल रूल करता है उस कंट्री में, एक सीक्वेंस में अगर ये बोलूं तो उसमें तीन तरीके की चीज होती है, जैसे अपनी कंट्री में भी होता है, विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायतंत्र। मतलब तीनों इक्वल जगह हैं और तीनों आपस में पावर शेयर किए हुए हैं। अगर किसी एक के पास पावर हो तो उसका पूरी के पूरी तरीके से यूज या मिस यूज भी किया जा सकता है, लेकिन अपनी कंट्री में इस तरीके से पावर को शेयर किया गया है। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियरी। अब जैसे कि मैं आपको एक कहानी बता रहा था बेल्जियम की और श्रीलंका की। श्रीलंका में जो लोग होते हैं उसे श्रीलंकन बोलेंगे, जो बेल्जियम में लोग होते हैं उनको बेल्जियंस बोलेंगे। इनका एरिया मैंने बताया हरियाणा से भी छोटा है यूरोप के बारे में, अभी मैं बेल्जियम के बारे में बात कर रहा हूँ। बेल्जियम का एरिया हरियाणा से भी छोटा है और नियरली 1 करोड़ इसकी जनसंख्या है। 1 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, 1 करोड़ जनसंख्या है और इसका जो एरिया है वो यूरोप, जो यूरोप में पड़ता है बेल्जियम, वो हरियाणा से भी छोटा है बेल्जियम कंट्री। इसमें जो लोग रहते हैं, जो उनको बेल्जियन बोले जाते हैं, जैसे इंडिया में लोग रहते हैं तो इंडियन बोलेंगे, बेल्जियम में जो लोग रहते हैं बेल्जियन बोलेंगे। अब बेल्जियम का ये जो नक्शा है इस तरीके से है, नक्शा जो मैं नीचे बताया हुआ है, इसमें अगर आप, एक सेकंड, इसको मैं कलर और कर दूं जिसे डिफरेंट कलर से आपको इजी हो जाएगा समझना, रेड कलर हो गया। तो अब इसमें बेल्जियम है, बेल्जियम का ये नक्शा है, अगर मैं नक्शे में इसको बताता हूँ तो इस तरीके से नक्शा है। इसमें अपर मतलब नॉर्दर्न, जैसे अपने यहाँ इंडिया में होता है नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इसी तरीके से बेल्जियम में भी होगा नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ में इस तरीके से है और ब्रसेल्स इसकी राजधानी है, ब्रसेल्स इसकी राजधानी हुई। सक्षम आवाज बीच बीच में करते रहना अगर सुनाई दे रहा हो और समझ में आ रहा हो, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो तुरंत पूछ लेना। ये ब्रसेल्स इसकी राजधानी है और ये नॉर्थ में है। नॉर्थ में है मतलब यहाँ पर कुछ, इसको कास्ट के अकॉर्डिंग भी बांटा जा सकता है, इसको भाषा के अकॉर्डिंग, मतलब लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग भी बांटा जा सकता है, मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी बांटा जा सकता है। तो इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग में बांटता हूँ, जैसे कि ऊपर इसमें स्पीक क्या करते हैं, डच, मतलब डच जो बोलते हैं वो लोग रहते हैं। जो सदर्न पार्ट में कुछ दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं। तो इस तरीके से इन रीजन्स को ही बांटा गया, मतलब 59% अबव साइड है जो कि फ्लेमिश रीजन बोला जाता है, 40% आपका सदर्न पार्ट में इसको वेलोनिया रीजन बोला जाता है, और 1% जो कि इसमें आप साइड में, राइट साइड में ये देख रहे हैं, इसको इस यहाँ जर्मन बोला जाता है 1%। मतलब क्या हुआ, 59 टॉप में, 40 नीचे,
तो मतलब 40 तो कम हुआ, 59 ज्यादा हुआ. 59% जो ज्यादा लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो सोचेंगे कि पूरा का पूरा वर्चस्व, पूरा का पूरा के देश में सभी चीज हमारे अकॉर्डिंग हो, सोचना वही है. लेकिन इसमें क्या है, एक ब्रसल्स राजधानी है जो बेल्जियम की, ब्रसल्स, इसमें जस्ट अपोजिट होता है. इसमें अपोजिट क्या होता है कि ये ब्रसल्स का, अगर मैं ये बना लूं केवल ब्रसल्स है ये अपना, ठीक है ना, इसमें जो डच बोलते हैं वो कम है. मतलब नॉर्थ पार्ट में जो डच बोलते हैं वो कम है, और जो सदर्न पार्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो लोग ज्यादा हैं. मतलब ये प्लस प्लस में लगा देता हूँ, वो लोग ज्यादा हैं. तो अब मतलब क्या हुआ कि अगर समझ में आ रहा हो कि पूरे कंट्री में अगर देखा जाए तो 59% तो डच स्पीकर्स हैं और 40% आपका वेलोनिया रीजन में है, ठीक है ना, वो उनकी अलग लैंग्वेज है. एक सेकेंड, ये फिर से ऑन किया हूँ. जो सदर्न पार्ट में वो बोला जाता है लैंग्वेज, वो फ्रेंच बोलते हैं. मतलब ऊपर तो आपका डच बोला गया, नीचे आपका फ्रेंच लैंग्वेज बोला जा रहा है. पूरे के पूरे अगर कंट्री की बात करो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे के पूरे कंट्री की बात करो तो 59% डच बोलते हैं और 40% फ्रेंच बोलते हैं. तो यहाँ पर फ्रेंच लिख सकते हैं कि यहाँ फ्रेंच बोलते हैं पूरे के पूरे. लेकिन अगर मैं उसकी केवल राजधानी की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अगर दिल्ली जैसे इसकी राजधानी, इसी की तरह ब्रसल्स इसकी राजधानी है बेल्जियम की, तो ब्रसल्स में फ्रेंच ज्यादा बोलते हैं, डच कम बोलते हैं. मतलब कि यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम आई है. तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया है या इसने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया? श्रीलंका का भी लगभग सेम केस है, उसका भी अब मैं बताता हूँ. श्रीलंका का इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हो. अब ये ब्रसल्स के बारे में जो मैं पढ़ रहा था, ब्रसल्स में क्या होता है आपका कि 80% आपका फ्रेंच बोला जाता है और 20% डच, मतलब अपोजिट हो गया. पूरी कंट्री के अकॉर्डिंग अगर बोलेंगे तो 59% आपका डच में. बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या हुई थी और किस कारण से हुई थी. और 40% आपका फ्रेंच बोला जाता था. और ब्रसल्स जो इसकी राजधानी में है, जो नॉर्थ साइड में, जो फ्लेमिश एरिया में है, जिसको फ्लेमिश रीजन बोला गया, उसमें फ्रेंच ज्यादा बोला जाता है, डच कम बोला जाता है. तो अब डच कम बोला जाता है अगर, तो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, थोड़ा सा इनमें उसमें दिक्कत हुई, टेंशन हुई. ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1950 की और 1960 के आसपास की बात कर रहा हूँ. मतलब ये प्रॉब्लम थी. अभी मैं सॉल्यूशन की तरफ नहीं गया कि क्या इसने सॉल्यूशन किया, क्या श्रीलंका ने क्या सॉल्यूशन किया. अभी एक ये मैंने आपको एक केस बताया कि इस तरीके से चीजें हुई कि पूरे कंट्री में अलग अलग तरीके से था लैंग्वेज के बेसिस में डिवीजन और राजधानी में अलग तरीके से था. समझ में आया इतना? हाँ बोलना अगर समझ में आया हो तो. अब हम बात करते हैं श्रीलंका की. श्रीलंका में इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये है आपका श्रीलंका, ये श्रीलंका में ये आपका डायग्राम है. इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि इसमें कुछ अदर कास्ट रहते हैं, जैसे अपने यहाँ हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख, ईसाई, बंगाली, मद्रासी, हर तरीके के लोग रहते हैं. तो श्रीलंका में सिन्हालाज लोग रहते हैं जो कि 74% है. 74% मतलब मेजोरिटी सिन्हालाज की है. अब बात को समझना, मेजोरिटी सिन्हालाज की है. तो सिन्हालाज सोचेंगे कि हम पूरे देश पर राज करें. 18% आपका तमिल लोग हैं. तमिल में भी कुछ लोग हैं श्रीलंकन तमिल और कुछ लोग हैं इंडियन तमिल. श्रीलंकन तमिल है वो 13% है, तो बचे 5%. 5% कौन से तमिल है? इंडियन तमिल, जो कि पहले जो वहां रबर फैक्ट्री, रबर्स के काम करते थे, तो इंडियन तमिल्स आ गए थे. कहां से? जनरली कहां से आए थे? तमिलनाडु से. मैंने आपको मैप में दिखाया था तमिलनाडु का मैप, ये है तमिलनाडु से बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में है. तो यहां से तमिलनाडु से ही लोग आ जाते थे श्रीलंका, और श्रीलंका में जाकर रबर का काम जो था वो उन लोगों ने कर लिया. तो अब ये क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल हो गए कुछ लोग और कुछ लोग इंडियन तमिल हो गए. मतलब उसमें भी बाइफर्केशन हो गया.
अब क्या है कि तमिल मतलब तमिल में भी श्रीलंकन तमिल इंडियन तमिल दोनों तरीके के, लेकिन तमिल है वो। लेकिन अगर इनकी कास्ट बोला जाए तो तमिल जो यहाँ पर आए थे वो आपके हिंदू थे या मुस्लिम थे, हिंदू या मुस्लिम थे, हिंदू या मुस्लिम, याद रखना हिंदू या मुस्लिम। और जो सिन्हालास थे वो बुद्धिस्ट थे, मतलब दोनों की कास्ट अलग हुई, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। अब सिन्हालास कुछ बोलेंगे, कुछ लोग तमिल बोलेंगे, मतलब अगर हमारे साथ अगर कोई हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा है तो हम हिंदी में अच्छे से समझ पाते हैं, हो सकता है कोई इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हो तो कम्युनिकेशन उनका इंग्लिश में अच्छा हो सकता है, कोई हो सकता है थर्ड लैंग्वेज में कर रहा हो, जिससे जो कम्युनिकेट कर रहा होगा वो चाहेगा कि मैं इसकी आगे वो इसको बढ़ाऊं, तो या तो ये मेरा ही वर्चस्व हो इस लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ तो वही नेशनल लैंग्वेज हो, वही हर तरीके से हो। तो इस तरीके से श्रीलंका में ये सोचा गया कि सिन्हालाज बेस्ट हैं, सिन्हालाज की ज्यादा पॉपुलेशन है, सिन्हालाज का वर्चस्व होना चाहिए, सिन्हालाज को आगे एक रूलर होना चाहिए, मतलब राजा की तरह काम करना चाहिए, सिन्हालाज का ही हो। और इसमें पूरे श्रीलंका में 7% क्रिश्चियंस थे जो कि तमिल या सिन्हालाज दोनों चीज बोलते थे। अब हर कंट्रीज में इस तरीके से होते हैं कि या तो कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मद्रासी, कोई इस तरीके से काफी लैंग्वेज है, मतलब बंगाली, पंजाबी। तो इस तरीके से ही श्रीलंका में ये प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम पूरी आपको समझ में आनी जरूरी है कि क्यों ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और क्यों इन देश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आया हो तो यहाँ से भी अगर आगे बढ़ते हैं, अगर हाँ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आवाज आ रही हो तो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मतलब इसके प्रोनाउंसिएशन देखना, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मतलब कि किस चीज का मेजोरिटी में होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट इन 1948, श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1948, मतलब जब इंडिया 1947 में हुआ उसके बाद 1948 में श्रीलंका हो गया। मतलब श्रीलंका में अभी सिन्हालास के बारे में पढ़ा रहा था मैं, उतना चीज आपको समझ में आ गया, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बात कर रहा हूँ, दोनों की जो एरिया है लगभग लगभग आपका हरियाणा के बराबर है, पॉपुलेशन हरियाणा से भी कम है ये। अब सिन्हालास सुप्रीम, ये सिन्हालास का था श्रीलंका में वर्चस्व, मतलब कि वो सुप्रीम मानते थे अपने आप को। 1956 की बात ये कर रहा हूँ कि सिन्हालास ऑफिशियल लैंग्वेज बना, सिन्हालास ऑफिशियल लैंग्वेज बना, जबकि इसमें तमिल भी थे, 18% तमिल भी थे, लेकिन बुद्धिस्ट और सिन्हालास लैंग्वेज अगर ये कर रहा है तो तमिल वालों को बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा। तो ये फेवर्ड क्या था, मतलब कि सिन्हालास ऑफिशियल लैंग्वेज बना, फेवर्ड सिन्हालास एप्लीकेंट्स, अब क्या हो गया, लैंग्वेज तो बन गया, उसके बाद क्या हुआ कि अब कोई एप्लीकेशन भी अगर कुछ डालेगा यूनिवर्सिटी में किसी अच्छी पोजीशन पर या किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो उसमें बहुत अच्छी खासी प्रायोरिटी सिन्हालास को दिया गया, मतलब तमिल लोगों को तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो वो क्या होगा, एक इंटरनल इंटरनल एक वार छिड़ेगा, जिसे जिस वार को बोलते हैं सिविल वार। यहाँ पर ये चीज बोलना कि वार एक दो तरीके के होते हैं, अगर कोई बाहर से आक्रमण करे तो भी, और सिविल वार मतलब जो इंटरनली उनके किसी लैंग्वेज के बेसिस पर चले या किसी कम्युनिटी के बेसिस पर चले या किसी भी तरीके से चले, उसे वो सिविल वार बोल देंगे अगर इंटरनली वो चल रहा है तो। अब वार किस चीज का चला कि भाई हमको तो आप लोग कुछ दे नहीं रहे हो, तो इस कारण से हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम दे दो, इलम मतलब होता है स्टेट, स्टेट मतलब होता है जगह, जगह मतलब एक एरिया हमको तमिलियंस को दे दो, वो नॉर्दर्न या ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर हमको ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट में, श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में दे दो। तो इस तरीके से उन लोगों की मांग बढ़ने लगी, तमिल लोगों को बुरा लग रहा था, बुरा लग रहा था मतलब फीलिंग ऑफ एलियनेशन, मतलब इस तरीके से ये एलियनेशन एक वर्ड आएगा वहां पर, एलियनेशन टाइप का आपको लग रहा था अमंग जो तमिलियंस है। तो थाउजेंड्स ऑफ बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, मतलब बहुत तगड़ा युद्ध छिड़ा, बहुत तगड़ा वार हुई, बहुत तगड़ी सिविल वार हुई, सिविल वार होने के कारण से कि बहुत से हजारों लोग, अब वार हुई, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो पूरे के पूरे 14%, 18%, 1-2 करोड़ लोगों में झगड़ा लड़ाई हुई, तो कई लोग मरे, कई लोग मतलब हजारों की संख्या में लोग मरे। मरने से क्या हुआ कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा और बेल्जियम में भी हुआ होगा। श्रीलंका में किस तरीके से हैंडल किया गया,
और बेल्जियम में किस तरीके से हैंडल किया गया, दोनों जगह प्रॉब्लम सेम थी, बस ये है कि यहाँ पर सिन्हाला और तमिल के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर हम फ्रेंच के बारे में, डच के बारे में, जर्मन के बारे में बात कर रहे थे। दोनों जगह की प्रॉब्लम एक टेस्ट केस की तरह हो गया, दोनों जगह की प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके आगे की ओर। अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम, अब बेल्जियम ने क्या किया है, मतलब पावर को शेयर किसने किया है, पावर को कंसंट्रेट किसने किया है, पावर को एक जगह इकट्ठी कौन रखना चाह रहा था और पावर को शेयर कौन किया है, शेयर जो किया है उसका फायदा हुआ है या जो कंसंट्रेट किया है उसका फायदा हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगर कोई दो भाई है, ठीक है, इसको मैं रेड कलर में ही, रेड कलर में ज्यादा इजी लग रहा है या ब्लैक में ही रहने दो बता देना, आवाज आ रही है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि जैसे अगर दो भाई हैं, दोनों में क्या हुआ कि, या तो तीन भाई हैं, ठीक है ना, तीन भाइयों में दो में दो लोग ज्यादा सोच के अच्छे हैं या बुरे हैं या कैसे भी हैं, इनको अगर पूरी की पूरी पावर दे दी जाए तो एक भाई विद्रोह करेगा, तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी दोनों में तो नुकसान दोनों का होगा। मतलब इन्होंने पावर को अपने पास रखना चाहा, पूरी की पूरी पावर, अगर रखोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ठीक है। अब जो कि बेल्जियम ने नहीं रखा पावर, पावर उसने बांटा और श्रीलंका में पावर रखने की कोशिश की तो वहां पर नुकसान हुआ, और किस तरीके से बांटा, किस तरीके से नहीं बांटा, किस तरीके से रखा, वो हम आगे चल रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में किस तरीके से एकोमोडेट किया गया पावर्स को, मतलब बेल्जियंस के जो लीडर थे वो रिकॉग्नाइज किए, रिकॉग्नाइज श्रीलंका में भी किया गया, लेकिन इन्होंने रिकॉग्नाइज किस एग्जिस्टेंस पर, क्या रीजनल डिफरेंस के, कल्चरल डाइवर्सिटीज में, मतलब एक तो रीजन के रेस्पेक्ट में किए हैं और कल्चरल के रेस्पेक्ट में किए हैं। रीजन के रेस्पेक्ट में लैंग्वेज में आपको बोल दिया कि नॉर्थ में डच बोला जा रहा है, साउथ में फ्रेंच बोला जा रहा है, नॉर्थ में ब्रसल्स में दोनों लैंग्वेज, इनके पास तो कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा थी कि यहाँ पर राजधानी में और तो दोनों लैंग्वेज, मतलब जो साउथ में जो बोला जा रहा है वो तो ज्यादा बोला जा रहा है, नॉर्थ में कम बोला जा रहा है, अब क्या, ये तो प्रॉब्लम और ज्यादा थी, इसको इस तरीके किस तरीके से सॉल्व किया गया, ये कब की प्रॉब्लम थी वो समझ में आ रहा है कि 1970 से 1993 इस बीच प्रॉब्लम चली, इस बीच प्रॉब्लम मतलब कि बहुत ही लंबा समय था, इस बीच चार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, मतलब चार बार कॉन्स्टिट्यूशन बना, चार बार संविधान बना और चार बार अमेंडमेंट हुआ इन सब चीजों में, और काफी लंबा प्रोसेस था। तो क्या हुआ, अब इन्होंने किस तरीके से, यहां से पॉइंट पढ़ते जाना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाली चीज अभी भी काम आएगी और बाद में भी काम आएगी, टेंथ में जितने भी सवाल के आंसर दोगे वो पॉइंट्स में ही देना, पॉइंट्स में दोगे नंबर अच्छे मिलेंगे, कोई भी सवाल का आंसर पॉइंट्स में देना। तो नंबर ऑफ डच, जो भी नंबर ऑफ डच जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि पूरी जो देश पर राज करती है, तो देश पर जो मिनिस्टर्स होते हैं, देश में जिनके पास पावर होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट डच में जो डच बोलते हैं और जो फ्रेंच बोलते हैं, इन दोनों जो डच और फ्रेंच दोनों चीज बोलते हैं, इनके जो पावर हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ दोनों में इक्वल रखा। देखो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब सॉल्व हुई, अब किस तरीके सॉल्व हुई, अब ऊपर आपका फ्रेंच बोलते हैं ऊपर, जैसे कि अगर आपका डच बोलते हैं और नीचे आपका फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रेंच और ऊपर आपका क्या हो गया, डच बोल रहे हैं। डच बोलने के बाद क्या है कि डच ज्यादा बोलने जाते हैं, अगर इसमें डच ज्यादा बोले जाते हैं 59% मतलब की बोले जाते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे देश की गवर्नमेंट बन रही है उसमें आप भी 50% ले लो, हम भी 50% सीट ले लेते हैं, मतलब कि एक तरीके से इन्होंने फ्रेंच वालों को बोल दिया कि हाँ आपको फायदा हो गया, मतलब ये फ्रेंच वाले एक प्लस में आ गए, ठीक है। अब फ्रेंच वाले प्लस में आए हैं तो फ्रेंच वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर भी इसको यहाँ पर फायदा मिले या कहीं और फायदा मिले, दोनों तरीके से। अब ब्रसल्स में क्या था, ब्रसल्स में आप जान रहे हो, ब्रसल्स में जो आपका था कौन ज्यादा बोलता था, जैसे फ्रेंच अगर ज्यादा लोग बोल रहे हैं, डच कम लोग बोल रहे हैं, डच कम लोग बोल रहे हैं, मतलब 80% फ्रेंच बोल रहे हैं, 20% डच बोल रहे हैं,
तो डच वालों को बोल दिया गया यहाँ पर भी हम आपको 50% देते हैं, राजधानी की बात हो रही, तो मतलब राजधानी में यहाँ 50% इसको दे दिया, तो इसलिए मतलब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया, तो यहाँ डच को फायदा हो गया क्योंकि डच 20% बोलते थे लेकिन उनको पावर दे दी गई 50% वाले, 50% आप अच्छे से बोल सकते हो, 50% आपके पास पावर होगी, 50% पावर होगी, मतलब इन्होंने यहाँ पर डच वालों को शेयर किया और पूरे देश में फ्रेंच वालों को शेयर किया, मतलब दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़ा बचाने के लिए एक चीज बन गई, अब एक चीज बन गई, अब पूरा का पूरा अब क्या है कि पूरा का पूरा ये आपका बेल्जियम है फॉर एग्जांपल, ये पूरा का पूरा बेल्जियम है, अब इसमें पूरा सेंट्रल है, पूरा का पूरा देश की बात कर रहे हैं, अब इसमें अलग अलग स्टेट्स होंगे, अलग अलग स्टेट्स होंगे, अलग अलग इस तरीके से अगर स्टेट्स हैं, तो अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे देश पर है लेकिन अधिकतर इन्होंने पावर को जो है अपने स्टेट को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया मतलब कि स्टेट लेवल पर पावर ज्यादा दे दी गई, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ अलग काम कर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अलग काम कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है सेम रूल यहाँ पर और ऊपर एक जैसा रूल लगे ऐसा जरूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इंडिया का ही एग्जाम्पल लो कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, ठीक है, फिर राजस्थान भी है, फिर तमिलनाडु भी है और फिर सिक्किम भी है, तो हर जगह चारों स्टेट में एक जैसा रूल नहीं लग सकता, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर रेत ज्यादा होता है, कहीं पर ऊन ज्यादा होता है, कहीं पर ठंड ज्यादा पड़ती है, कहीं गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट नीड हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हो सकता है, डिफरेंट खाना हो सकता है, कहीं वेज खाया जाता है, कहीं नॉन वेज खाया जाता है, तो डाइवर्सिटीज काफी ज्यादा है, तो स्टेट लेवल पर उनको डिसीजन लेने की दे दिया गया कि आप स्टेट लेवल पर सोच सकते हो, तो स्टेट लेवल पर सोचोगे तो स्टेट के फायदे के लिए सोचोगे, अब स्टेट के अंदर भी और भी चीजें आएंगी लेकिन अभी स्टेट को उसने पावर दे दिया गया, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तो अंडर में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग काम हो गया और स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग काम हो गया, अलग काम इन द सेंस कि उसके पास एक अलग पावर दे दी गई, तो मतलब मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ कि नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं हुए, मतलब दो आपके पास सॉल्यूशन हो गया, मतलब सिंपल सॉल्यूशन ये हुआ कि उसने भी 50% पूरे देश में भी 50-50% हुआ और राजधानी में भी 50-50% हुआ, क्योंकि इसमें दोनों जगह एक एक लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया और स्टेट को पावर दे दी गई, ठीक है, तो ब्रसेल्स नंबर ऑफ डच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेंच, यहाँ पर ब्रसेल्स की भी चीज हो गई, अब क्या हुआ कि यहाँ पर स्टेट में, अब जैसे हमारे कंट्री का ही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो कम्युनिटी कहीं पर तमिलियंस ज्यादा है, कहीं राजस्थानी ज्यादा है, कहीं पंजाबी ज्यादा है, कहीं मराठी, कहीं बंगाली, इस तरीके से चीज हुआ, तो एक कम्युनिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो बना ही बना लेकिन एक कम्युनिटी भी इन्होंने बनाए, कम्युनिटी बनाने का मतलब क्या हो गया कि एक जो कि क्या क्या चीज देखेगा, एजुकेशनल देखेगा, कल्चरल देखेगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई कल्चरल देखेगा, एजुकेशनल देखेगा और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, ये सब देखेगा जो कि पावर फॉर कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज, अब ये अलग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हटाकर एक इन्होंने ये चीज बना दिया गया कि ये चीज है, मतलब तीनों को अलग 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 पावर दे दिया गया, पावर शेयर किया गया, पावर बांटी गई, पावर बांटने से क्या हुआ, सब खुश हो गए, सब खुश होने का मतलब क्या हुआ, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी सिविल वार को रोक दिया गया, मतलब कि अवॉइड, ये बोल रहे मतलब अवॉइड सिविक स्ट्राइफ, ठीक है, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर यूरोपियन यूनियन यूनियन वाले जो होते हैं, मतलब जो हेडक्वार्टर होता है पूरे यूरोप का, उन लोग बोले कि नहीं बेल्जियम में समझदार लोग हैं, बेल्जियम में ब्रसेल्स में बहुत अच्छे से डील किया गया, बहुत अच्छे से डील किया गया, तो इसका हेडक्वार्टर जो यूनियन जो हेडक्वार्टर होता है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर, ब्रसेल्स को ही चूज किया गया, ठीक है, तो मतलब क्या है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्या होता है पावर शेयरिंग से, तो ये क्या रिड्यूस करता है, कन्फ्लिक्ट, रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट, ये भी पॉइंट्स में मैं लिखा हूँ, ये भी आ सकता है, रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को ये लड़ाई होने से बचाता है, पूरे चैप्टर में बस यही चीज है कि पावर को शेयर करना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये लड़ाई होने से बचाता है, और दूसरा है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, सेकेंड पॉइंट किस लिए अपने को पावर शेयरिंग जरूरत हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्डर जो स्टेबिलिटी है, मतलब क्या है कि अगर ये नहीं काम करते तो इनस्टेबिलिटी रहती,
अनस्टेबल होता है पूरा प्रदेश, पूरा का पूरा। पावर शेयरिंग से एक तो क्या हुआ कि कंफ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, मतलब बेल्जियम में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये सब क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से, मतलब कि क्या पावर शेयरिंग के बेनिफिट क्या हैं, और स्टेबिलिटी होती है पूरी की पूरी कंट्री में, अनस्टेबल नहीं होता है। स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर के भी स्टेबिलिटी होता है। इम्पोजिंग मेजोरिटी मे लुक अट्रैक्टिव, मतलब जो मेजोरिटी की बात होती है, जैसे कि अगर श्रीलंका में बात की है कि सिन्हालास की, और सिन्हालास पूरे के पूरे देश पर राज कर लेंगे, पूरे देश पर राज करेंगे तो तमिलियंस को बुरा लगेगा, तमिलियंस को बुरा लगेगा तो सिविल वार होगा, और सिविल वार होगा तो कंट्री का नुकसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में होगा। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए, तो कुछ समय के लिए तो मेजोरिटी लगता है कि मेजोरिटी में आ गई चीज हमारी, हमारी पार्टी मेजोरिटी में आ गई, हमारी चीज मेजोरिटी में आ गई, और कुछ लोगों को पावर नहीं मिला तो वो अट्रैक्टिव तो लगता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बाद के लिए वो नुकसानदेह ही होता है। इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ पावर फॉर दोज हु अफेक्टेड, जो उनको भी हाथ में शेयर करना चाहिए पावर जो कि उससे अफेक्ट हो रही हो। जैसे कि कई बार देखिए होता है कि हम किसी को कोटा देते हैं, किसी को जो भी अफेक्ट हो रहा हो, ताकि वो भी उठ सके। अब हम दो चीजों पर ये बांट सकते हैं, कुछ अपने के नैतिक कारण होते हैं, मतलब मोरल अफेक्ट होते हैं कि क्यों शेयर करनी चाहिए, तो वो वैल्यूबिलिटी के कारण कि वैल्यूबल होते हैं, और प्रूडेंशियल मतलब विवेकपूर्ण मतलब दिमाग से मतलब बेटर आउटकम, मतलब अगर हम पावर शेयर करेंगे तो अच्छा आउटकम आएगा, अच्छा आउटकम आएगा मतलब देश की तरक्की होगी। तो ये तो प्रूडेंशियल रीजन हो गए कि मतलब कि ये रीजन हो गया कि अच्छा आउटकम आएगा। और नैतिकता मोरल हमारा भी जो बोलते हैं कि धर्म होता है, ये क्या होता है कि ये चीज करना चाहिए, वो वैल्यूएबल होता है कि ये चीज के ऐसा नहीं है कि हम किसी को कुछ भी नहीं दें और किसी को सब कुछ दें, इस तरीके से भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसके बाद फिर आता है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब ये पावर शेयरिंग की चीज आपको समझ में आ गई कि बेल्जियम ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दिया गया कि अपने स्टेट में, और जो राजधानी थी उसमें 50-50% फ्रेंच और डच को पावर दिया गया। इसी तरीके से उन्होंने सॉल्व किया प्रॉब्लम को, तो जो कि श्रीलंका में इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया, वहां हुआ सिविल वार, सिविल वार में तो झगड़ा हुआ। सिन्हालास अपना देख रहे थे कि अपने तरीके से देखना चाह रहे थे कि वो केवल उनको ही फायदा हो। तो अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया के तीन तरीके की चीज होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, मतलब जिसमें जजेस वगैरह होते हैं, जजेस वगैरह पूरा न्याय करते हैं, कार्यपालिका और विधानसभा। इस तरीके से इन तीनों चीजों में ही आपका, जो कि तीनों के तीनों एक ही पैरेलल लाइन में होते हैं, पैरेलल लाइन में मतलब तीनों के पास पावर होती है, तीनों के पास पावर होती है, मतलब तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, मतलब विधानसभा कार्यपालिका, कार्यपालिका न्यायपालिका, न्यायपालिका सब, अगर कार्यपालिका को कोई दिक्कत है, विधानसभा को कोई दिक्कत है तो न्यायपालिका के पास आएगा, न्यायपालिका में भी जो चुने जाते हैं वो इन दोनों से ही चुने जाते हैं। तो मतलब तीनों चीज अपने अपने में सुप्रीम है, कोई भी किसी तरीके से, इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस भी बोला जाता है, चेक एंड बैलेंस, कि एक दूसरे को चेक भी किया जा सकता है और तीनों बैलेंस्ड भी है। तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हम पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज इन वन हैंड्स, अगर पूरी की पूरी पावर एक के हाथ में दे दी जाए कंट्री में, केवल और केवल एक के हाथ में, तो वो बिजी भी रहेगा, उसके पास काफी चीजें पेंडिंग भी रहेंगी, डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। मतलब ये समझो कि पूरी की पूरी पावर, हर कुछ अगर प्रिंसिपल से ही पूछना होगा, हर एक सवाल प्रिंसिपल से ही पूछना होगा, तो टीचर्स की वैल्यू नहीं रहेगी। टीचर्स सबको बांट दिया गया कि देखो आप ये मैथ्स पढ़ाओ, अगर मैथ्स में दिक्कत आती है तो बच्चे आपसे मैथ्स समझेंगे, ड्राइंग में आती है तो ड्राइंग, स्पोर्ट्स में आती है तो स्पोर्ट्स, एसएसटी में आती है तो एसएसटी। इट विल नॉट पॉसिबल फॉर द क्विक, अगर किसी एक के पास सारी चीज होती, सभी उसी के पास जाते तो उसके पास लाइन लगी रहती है और वो जो क्विक डिसीजन नहीं ले पाता, क्विक डिसीजन, क्योंकि वो पढ़ाने की बात नहीं है, यहाँ पर डिसीजन की बात भी है, यहाँ पर सिविल वॉर होने के भी चांस हो सकते हैं, यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने के भी चांस हो सकते हैं। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स, डेमोक्रेसी में क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, मतलब ये क्या है कि पीपल्स खुद ही, मतलब अपने कंट्री में क्या है, चाहे कोई भी इंसान हो वो वोट, मतलब कि 18 साल से ज्यादा बड़ा है वो वोट दे सकता है, अपने यहाँ इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इस कास्ट का हो, ऐसा हो वैसा हो,
कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, ठीक है। पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, मतलब सेल्फ गवर्नेंस होता है। इन डेमोक्रेसी पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब सबके पास पावर होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पावर तीनों चीजों में शेयर किया गया। पावर इज शेयर्ड इन डिफरेंट ऑर्गन्स, पावर शेयर किया गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी लेवल पर पावर शेयर किया गया, और ये इन सभी को सेम लेवल पर रखा गया। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, मतलब कि कोई भी एक दूसरे को चेक कर सकता है, मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं चेक एंड बैलेंस, ये चीज जरूरी है। चेक एंड बैलेंस मतलब ये नहीं कि पावर है पूरी तो उसको कोई चेक नहीं कर सके, पूरा चेक भी कर सकता है, और किसी के हाथ में पावर हो चेक नहीं कर सकता हो तो वहां पर डगमगाने के चांस होते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पावर मैं पढ़ रहा हूँ, तो पावर शेयर्ड इन डिफरेंट ऑर्गन्स, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब दूसरे तरीके से ये चीज है कि पावर किस तरीके, पावर और किस तरीके से हो सकती है। आपने विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका बनाए, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन तरीके की चीज बनाए। अब पावर आ जाता है दूसरे तरीके का, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसे हम लोग जनरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, जनरल गवर्नमेंट है। कई जगह इसे फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी है, और कई जगह इसके यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी है। तो इन वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना, मतलब ये चार जगह होगा तो आप पता चला कि कंफ्यूज हो रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हो। ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दी गई, ठीक है, या तो रीजनल लेवल में पावर दे दी गई। रीजनल लेवल में मतलब क्या हो गया, एक छोटे से रीजन को, छोटे से रीजन को, मतलब अगर मैं सेंट्रल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो एक स्टेट को पावर दे दी गई। स्टेट गवर्नमेंट बोला जाए या प्रोविजनल लेवल बोला जाए या रीजनल लेवल बोला जाए, बात एक ही है, मतलब इन दोनों में पावर शेयर किया गया, मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, अगर इससे समझ में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया गया, या इस तरीके से हो सकता है। पहला चीज आपने ये देखा कि विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में सेम लेवल पर था और सेम लेवल को पावर दिया गया। दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है और स्टेट लेवल को अलग पावर दिया गया। तो इन मैनी कंट्रीज नो प्रोविजनल और स्टेट गवर्नमेंट, कई जगह होता है कि वो प्रोविजनल या स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देते हैं, या प्रोविजनल होता है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, या तो ये समझो छोटी सी कंट्री है, अगर इसमें क्या स्टेट बनाएंगे छोटे 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 छोटे, तो भी हो सकता है कि वो स्टेट को पावर ना देना चाह रहा हो। देन डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट लाइक इंडिया, मतलब क्या है, तो फिर डिफरेंट लेवल में इसको बांटा जा सकता है, गवर्नमेंट को बांटा जा सकता है, पावर को बांटा जा सकता है, पावर को शेयर किया जा सकता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दे, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर सब चीज अपने पास रखेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, कुछ पावर इसने म्यूनसिपैलिटी को दे दिया, कुछ पावर इसने पंचायत को दे दिया, तो ये भी अपने इंडिपेंडेंट कुछ चीजें होती हैं जो डिसीजन ले सकता हूँ, नहीं तो डिसीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और काफी ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। अब आ जाते हैं तीसरा, पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अब कई जगह सोशल ग्रुप्स के कारण होता है, जैसे कि या तो रिलीजियस के कारण हो, या लिंग्विस्टिक बेसिस में हो, कि लैंग्वेज के बेसिस में हो, कि ये लैंग्वेज के ज्यादा हैं तो ये बोलेंगे, ये लैंग्वेज के ज्यादा हैं ये बोलेंगे, या रिलीजियस के बेसिस में हो, जैसे सिन्हालाज हैं तो ये करेंगे, तमिलियंस हैं तो ये करेंगे। लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, अब जैसे कि मैंने एक चीज बताया था कि बेल्जियम में क्या हुआ था, 50-50% कर दिया गया था स्टेट में, सेंट्रल में और आपका ब्रसेल्स में। तो लेकिन जो एजुकेशन को देख रहा है, जो कम्युनिटी को देख रहा है, जो कास्ट को देख रहा है, जो इस तरीके से चीज डील कर रहा है, उसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बनी थी। लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बेल्जियम में अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। दिस गिव्स फेयर शेयर इन पावर फॉर माइनॉरिटी, तो ये माइनॉरिटी जो भी होती है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई, वो रिलीजियस को भी देखेगा, वो चाहे पूरे देश के रिलीजियस को देखेगा, पूरे देश के लैंग्वेज को देखेगा, पूरे देश के जो भी माइनॉरिटी के हैं उनको देखेगा, जो मेजोरिटी के हैं उनको देखेगा,
जेंडर स्पेसिफिक भी देख सकते हैं, जैसे कि कई जगह होता है कि अगर मैं वुमेन्स को भी बढ़वाना चाह रहा हूँ, मेन्स को भी बढ़वाना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं 50% पूरा का पूरा रिजर्वेशन वुमेन्स को दे दें और 50% जेंट्स को दे दें, अगर वुमेन्स को उस चीज में आगे बढ़ाना है तो। जैसे अगर जॉब में हुआ 100 सीट्स है तो 50 इसमें 50, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है या तो कहीं और का मिनिस्टर बनाना है तो 50-50, अगर वहां के लेडीज को आगे प्रमोट करना है तो वो 50-50% दिया जा सकता है कि स्पेसिफिक ये उन्हीं के लिए है जो जरूरत है जिनको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये फोर्थ आपका पेज हुआ है, फिफ्थ पेज पावर शेयरिंग। अभी हम पावर शेयरिंग के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं कि किस किस तरीके से पावर शेयर किया गया है। अब पावर शेयरिंग का फोर्थ पार्ट ये है कि पावर शेयरिंग कैन आल्सो बी अरेंज्ड बाय। अब कैसे अरेंज किया जा सकता है पावर शेयरिंग को और कैसे अरेंज किया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, एक ही हर बार आए और दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, दूसरे के आने के कोई चांस नहीं हो, तो वो भी गलत है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, और ये आप बाकी फोर्थ चैप्टर में भी आप बाद में पढ़ोगे पूरी की प्रेशर ग्रुप क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, मूवमेंट्स कंट्रोल क्या होता है, तो इसलिए बस इन्हीं को डीप में आगे आगे जाता जाएगा। द पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पर ही पावर को शेयर किया जा सकता है। हमारे यहाँ भी क्या होता है कि जैसे कि एक पार्टी है, दूसरी पार्टी अपोजिशन में बैठी है, अगर ये पूरा फुल प्रूफ के साथ नहीं बना पाई तो अगर इसके पास कुछ मेंबर्स कम है तो किसी और पार्टी से शेयर करके बना लेते हैं। तो अगर शेयर करेंगे, अगर ये अगर अपने लिए कुछ पोस्ट रखा है तो इसको भी कुछ पोस्ट देते हैं, इसको ही पोस्ट कुछ पोस्ट देते हैं, क्योंकि इनकी भी वैल्यू है, इनके कारण ही सरकार बनी है। कुछ अपोजिशन में भी बैठना पसंद करेंगे, कुछ अपोजिशन में भी रहना पसंद करेंगे ताकि वो क्वेरी कर सके। तो एक ही के हाथ में पूरी की पूरी पावर देना बहुत समय के लिए वो भी नुकसानदेह होता है। प्रेशर ग्रुप में सोशल ग्रुप्स वगैरह भी आते हैं कि इनके पास भी कुछ पावर होती है और होनी चाहिए, और मूवमेंट कंट्रोल इन्फ्लुएंस, तो जो भी मूवमेंट कंट्रोल होते हैं कंट्री में, ये पूरे तीनों चीज चैप्टर 4 में भी आएगा, तो उस कारण उनको भी पावर शेयर करना चाहिए। पावर शेयर कभी भी किसी के एक के हाथ में ज्यादा टाइम के लिए ये नहीं होना चाहिए, और कुछ टाइम के लिए भी पूरी की पूरी पावर नहीं होना चाहिए। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात किया, और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में अगर कुछ बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है या किसी के हाथ में पावर दिया जा रहा है, तो सबको मिलाकर होना चाहिए, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हों, कोई भी हो, इन सबको मिलाकर ही डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है। इन सबको और भी चीजें होती है, सबको मिलाकर ही डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है, उन सभी की वैल्यू होनी चाहिए। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है खलीलाज डिलेमा का। आप ये देखना के क्या होता है डिलेमास, मतलब एक ये बस एक कहानी की तरह बताया गया, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बताया गया है, ये केस बताया गया है कि ऐसे ऐसे करके था। डिलेमास मतलब होता है दुविधा, मतलब के सोच में, मतलब कि कंफ्यूजन बोल सकते हैं। तो खलीलाज के डिलेमा के बारे में ये ऐसी एक चीज बताया गया है। आपने एक चीज पढ़े होंगे स्टोरी विक्रम और वेताल की, बुक में भी आपका पूरा विक्रम वेताल का भी ही नाम लिया गया है। विक्रम वेताल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता था, उनकी कंडीशन पता होता था कि वो क्या कंडीशन है, जवाब देना है, अगर आते हुए भी नहीं दे रहा है तो अलग कंडीशन होती थी, और नहीं दे रहा है तो अलग कंडीशन होती थी, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके से। अब ये लेबनान के बारे में बात करें, लेबनान एक कंट्री है, लेबनान के बारे में अगर आप देखोगे तो लेबनान को भी मैं दिखा देता हूँ। लेबनान ये है, लेबनान के ऊपर सीरिया है, सीरिया ये आप देख रहे हैं, सीरिया वगैरह है, लेबनान से सीरिया जुड़ा हुआ है, सीरिया के पास में है। तो लेबनान में बिरुएल एक जगह है, बिरुएट, ठीक है, यहाँ पर हम पहुंच गए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि खलीलाज कोई ठीक है इंसान है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इसने क्या सवाल किया। खलीलाज कोई इंसान है, इसके फादर क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स, याद रखना, बस एक केस है याद रखने का, इन द सेंस कि अभी के लिए बस याद रखना कि केस क्या बता रहा है। मदर है वो मुस्लिम है, सुन्नी, ठीक है, मदर मुस्लिम हो सकती है, फादर क्रिश्चियन हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है, किसी कंट्री में भी हो सकते हैं। अब खलीलास के अंकल, कोई अंकल रहे होंगे, वो किसी वार में मर गए,
ठीक है, मर गए तो युद्ध हुआ, सिविल वार हुआ, युद्ध हुआ काफी ज्यादा, ये वो करते 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 रिजल्ट ये आया कि इस कंट्री में कोई प्रेसिडेंट बनेगा। अब सबको पावर देनी जरूरी थी, ठीक है, कोई प्रेसिडेंट बनेगा तो वो कैथोलिक क्रिश्चियन होगा, सबको पावर देनी जरूरी थी। पीएम बनेगा तो वो सुन्नी मुस्लिम होगा, डिप्टी पीएम बनेगा तो वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, मतलब चारों कास्ट को वो दे रहा है। स्पीकर बनेगा तो स्पीकर केवल शियाज मुस्लिम ही हो सकता है, मतलब ये कंडीशन रख दिया गया। काफी लड़ाई झगड़ा काफी, ये चीजें सबको पावर देनी, तो उन्होंने इस तरीके से डिवाइड करने की सोचे। ये एक अलग ही केस हो रहा है कि इस तरीके से आदमी डिवाइड कर रहा है, सही भी हो सकता है। उस समय की लड़ाई रुक गई, अब लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। जो भी ये बटा तो इन्होंने भी बोला कि कुछ लोगों ने बोला, क्रिश्चियन ने बोला कि हम फ्रेंच लोगों से मदद नहीं कर लेंगे, फ्रेंच लोगों से मदद नहीं लेंगे। क्रिश्चियन ने बोला, फ्रेंच लोग बोले क्रिश्चियन नो हेल्प, ठीक है ना। फिर मुस्लिम ने बोला कि सीरिया से हम कोई मदद नहीं करेंगे, सीरिया ऊपर ही था। तो आप देख रहे हो, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन उस समय इक्वल थे। बाद में क्या हो गया, मुस्लिम बढ़ गए, नाउ मुस्लिम क्लियर मेजोरिटी, अब मुस्लिम पूरे के पूरे बढ़ गए, ठीक है ना। लेकिन ये रूल अभी भी है। अब ये बताओ कि ये रूल है, अब सही है गलत है पता नहीं, क्योंकि ये बुक में भी यही क्वेश्चन है, क्या सही है क्या गलत, वो तो कंडीशन बताती है कि वॉर रुक जाए, छोटे टाइम के लिए नहीं लंबे समय के लिए वॉर रुक जाए, वॉर मतलब हो नहीं, अवॉइड हो ये सब चीजें। तो खलीलाज, अब ये है खलीलाज, ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना सुन्नी है ना ऑर्थोडॉक्स है ना क्रिश्चियन है, ये एक अदर कास्ट का ही है, और ये बनना चाहता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकता ये इस कंडीशन में, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, डिप्टी पीएम भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। या तो फॉर एग्जाम्पल के कोई प्रेसिडेंट ही बनना चाहता है, स्पीकर है तो प्रेसिडेंट, तो वो किस तरीके से बनेगा, वो नहीं बन सकता, और उसको पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके पास पावर है, उसकी पहुंच है, उसका सब कुछ है, तो वो तो बनना चाहता है। तो उसने एक ऑप्शन दिया, जैसे हर कंट्रीज अधिकतर कंट्रीज में होता है कि वोट डालो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा, वोट में जो जीतेगा हु विंस तो वो आपका बन जाएगा। लेकिन अब यही क्वेश्चन हो गया कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और ये आपका क्वेश्चन है, वो देखना, उसका आंसर सोचना, उसका आंसर बताना, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के, इस चैप्टर से रिलेटेड इंटरनल क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक एक अलग से वीडियो बना देंगे और उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको ये पूरा वाइंड अप यहीं पर कर रहा हूँ।